हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर एंड यू वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया। भाई सामने आप गाड़ी देख रहे हो, ये है ग्लैमर एक्सटेक, ये देखिए। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या ऑफर करती है ये, क्या प्राइस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट से। तो फ्रंट की हेडलाइट्स जो है कम्प्लीट आपको LED सेटअप मिलने वाला है, ये DRS मिल जाएंगे और ये हेडलैम्प। तो पूरा ही जो सेटअप है आपको पूरा LED मिलने वाला है। टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में रहेंगे कुछ इस तरह से, और इसका हेड आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। कंप्लीट ये ग्लोस फ्रेंस में है और यहाँ पे आपको मैट में रहने वाला है। बात करें अभी इसके MID की, तो ये MID रहने वाला है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर्स बताएगा, स्पीडोमीटर, किलोमीटर, टाइम और ये एवरेज वगैरह ये सब देखिए यहाँ पे। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, अगर आपके मोबाइल वगैरह पे कोई मैसेज वगैरह आता है तो वहाँ पे आप शो करेगा। ये ओनली एक्सटेक वेरियंट में ही अवेलेबल है। और ये आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं सर, हॉर्न, पास और ये इंडिकेटर्स के लिए। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन। फुल टैंक की बात करें तो आपको 10 लीटर का फुल टैंक मिल जाता है, और फुल टैंक आपको इस तरह से मिल जाता है काफ़ी। यहाँ पे ग्लैमर की बैचिंग मिल जाती है। तो ये कंप्लीट आपको फ्रंट रहने वाला है। और टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट में आपको कुछ इस तरह से लुक रहने वाला है। यहाँ पे भी LED सेटअप ही पूरा दिया है कंप्लीट, और इंडिकेटर कुछ इस तरह से। फ्रंट में बात करें तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर मिलेंगे फ्रंट में। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और टायर साइज की बात करें तो टायर MRF का मिलने वाला है। और प्रोफाइल इसकी रहेगी 18 मतलब 18 इंच का आपको एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, और विद 5 spoke के साथ में फाइबर में रहने वाला है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इस तरह से आपको फ्रंट का मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक इसमें नहीं आएगा, तो ये पर्टिकुलर जो वेरियंट है इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आती। एक दूसरा वेरियंट भी है इससे अपर का, तो उसमें आपको डिस्प्ले भी मिल जाएगी, अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन इसमें जो मिलता है वो मिलता है 125 cc का, और जिसके पावर की बात करें तो 10.7 bhp की पावर जनरेट करता है और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये 5-speed i3S स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये गाड़ी मिलती है। रियर की बात करें तो रियर में आपको जो एब्जॉर्बर मिलने वाले हैं, 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर पीछे के मिलने वाले हैं। जबकि टायर प्रोफाइल की बात करें तो 18 इंच का, तो टायर प्रोफाइल लगभग सेम है। पीछे आगे का भी आपको 18 इंच का था एंड पीछे का भी आपको 18 इंच का, तो दोनों प्रोफाइल बराबर है। मिल जाएगा यहाँ पे साइलेंसर मिल जाएगा, क्लोज फिनिश यहाँ पे यूज़ किया गया है। आपको फुट रेस्ट मिल जाते हैं, बड़ी सी सीट मिल जाती है आपको, यहाँ पे ग्रेव हैंडल के लिए मिल जाता है पीछे के। और सीट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाए स्विच दिया है, तो यहाँ से आप ओपन करके स्विच सीट ओपन कर सकते हो। जगह जगह पे आपको हीरो की बैचिंग मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे भी है, यहाँ भी है i3S की बैचिंग। ग्लैमर फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही है मतलब। पर तो इसे एक्सटेक के साथ में आती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएगा, तो जिससे आपको ड्राइविंग के टाइम पे आपको इजीली पता चल जाएगा MID पे कि आपके फ़ोन कॉल्स या मैसेज कुछ क्या आ रहा है, तो काफ़ी सही और कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है। और प्राइस की बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, ये विदाउट डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, तो ये 83,920 मतलब ऑलमोस्ट 84,000 की आपको एक शोरूम पड़ने वाली है। और ऑन रोड की बात करें तो 97,240 मतलब ऑलमोस्ट 97,240 की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, जिसमें आप कुछ एसेसरी वगैरह भी एड ऑन हो जाएंगे, जैसे लेग गार्ड वगैरह हैं। और ऑन रोड प्राइस में RTO चार्जेस आ जाएंगे, इंश्योरेंस आ जाएगा, उसके साथ में ये सब आपको मिल जाने वाला है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी जो क्लेम करती है 65 का माइलेज क्लेम करती है, 125 cc का इंजन है तो 65-70 का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। तो ऑलमोस्ट 125 cc का इंजन, तो इतना तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, नहीं तो कितना भी कम जाएगी तो 60 का तो आपको देगा ही, अगर अच्छे से आप चलाते हो तो। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 120 तक आप जा सकते हो इजीली, बट इतना फास्ट 2-व्हीलर को चलाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कम्यूटर बाइक्स है तो उनको ज़्यादा लिमिटेड ही चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीडली नहीं करनी चाहिए, तो वो रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, डुअल स्टैंड साइड एंड मैनुअल। यहाँ पे जो गियर वो है वो नॉर्मल रहने वाला है, सिंगल फुट स्टेप वाला नहीं है, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। ये आपको लीवर मिल जाता है, स्टार्ट लीवर और इंजन। एंड ऑयल कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 900 ml का ऑयल इसमें पड़ता है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट ग्लैमर एक्सटेक मिलने वाली है, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो जिसकी वजह से माइलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है, और भी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और कलर्स
तो ये टोटल आपको 5 कलर्स में अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर जो कलर आप देख रहे हो ये मिड नाइट ब्लैक है। ऐसे ही टोटल आपको 5 कलर देखने वाले हैं, टेक्नो ब्लू एंड रेडियल एंड लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स रेड और मिड नाइट ब्लैक। तो ये पर्टिकुलर मिड नाइट ब्लैक है, तो आप अपने हिसाब से आपकी चॉइस के हिसाब से आप कंसिडर या चूज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम आए हुए हैं श्री मोटर्स पात्रा में और ये हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर और इनका शोरूम है। तो अगर आप हीरो का कोई भी टू व्हीलर प्लान कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट करके कॉल वगैरह कर सकते हो।